क्या होगा अगर सुपर हीरो विद सिक्स कोर पावर्स शज़ाम, लूसिफर और सुपरमैन के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ाम, डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, या किंग ऑफ हेल लूसिफर मॉर्निंग स्टार? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। शज़ाम, सुपरमैन और लूसिफर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव शैन की वजह से मोस्ट पावरफुल एक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे करेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शज़ाम वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ाम की, तो शज़ाम का असली नाम बिली बैटसन है जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने अपने चैंपियन के रूप में चुनके अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ाम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपरहीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ाम। बात करें शज़ाम की पावर्स की, तो शज़ाम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स है। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ाम और सुपरमैन के बीच फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ाम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ाम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ाम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ाम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है, स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। वैसे शज़ाम की पावर्स और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो है जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है। लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सरवाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स हैं। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही है। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है। बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिसे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ बदल कर उसे इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सरवाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स। और सुपरमैन और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ाम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैटसन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही ये पता है कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। दूसरी तरफ सुपरमैन एक ट्रेंड फाइटर है जिसने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है, जहां पर शज़ाम को ये भी नहीं पता कि उसकी ट्रू पावर्स क्या है और अपनी ट्रू पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। सुपरमैन कई सालों से अपनी पावर्स को यूज करता आया है और वो शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है। जब कॉमिक्स में शज़ाम और सुपरमैन के बीच फाइट हुई थी तो सुपरमैन ने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि शज़ाम ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है, पर फिर भी सुपरमैन इस फाइट को इजीली जीत गया था क्योंकि शज़ाम की सबसे बड़ी वीकनेस है उसका होस्ट बिली बैटसन, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसके अंदर अभी भी बहुत सारा बचपना है। ना ही उसे उसकी ट्रू पावर्स के बारे में पता है और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है, और इसी की वजह से जब भी शज़ाम की सुपरमैन या ब्लैक एडम के साथ फाइट हुई है, शज़ाम हर बार हारा है। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ सुपरमैन पर अटैक करेगा, पर सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल और फास्ट है, इसलिए वो शज़ाम के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सरवाइव कर सकता है और सुपरमैन पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। और कॉमिक्स की तरह इस बार रिजल्ट सेम रहेंगे, जिसमें फाइट थोड़ी लंबी चलेगी बट एंड में सुपरमैन शज़ाम को हरा देगा। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे सेम पावर्स होने के बावजूद शज़ाम ना ही सुपरमैन को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि सुपरमैन शज़ाम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए सुपरमैन इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन द एंड जीतेगा सुपरमैन। तो बात करते हैं शज़ाम वर्सेस लूसिफर की और जानने की
की कोशिश करता है कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और वो पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल डीमन लॉर्ड डेविल। बात करें लूसीफर की पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। और गॉडली पावर्स को तुम सुपरह्यूमन पावर्स से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बींग से ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लैनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल्थ फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डीमंस और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है और वो जैसे अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है और वो इसमें लोगों की डीपेस्ट और डार्कर डिजायर्स का भी पता लगा सकता है, उन्हें इल्यूजन सिखा सकता है और उन्हें हेल में भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स है, लेकिन अगर हम उन सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। और लूसीफर आज तक सिर्फ एक बैटल हारा है, जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसे हेवन से निकाला था। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विज़र्ड शज़ाम ने उसकी पावर्स दी है, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन एक 16 साल का छोटा सा लड़का है, जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो ये जानता है कि उसे अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है। जबकि दूसरी तरफ ब्लैक एडम सेम पावर्स के साथ सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को रा चुका है, पर दूसरी तरफ लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर स्ट्रेंथ के मामले में लूसीफर शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और शज़ाम कभी भी लूसीफर की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। शज़ाम बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, पर लूसीफर अपने एक ही सुपर पावरफुल अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और शज़ाम के लिए किसी भी ऐसे अटैक को सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। शज़ाम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लैश जैसी पावर्स हैं, जबकि लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी है, और गॉडली स्ट्रेंथ सुपरमैन स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है। जहां पर शज़ाम के पास सुपर स्पीड है और डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ भी रेस लगा चुका है, वहीं पर लूसीफर किसी भी सर्वाइविंग बींग से ज्यादा फास्ट है। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लूसीफर पर अटैक करेगा, पर फिलहाल शज़ाम जिस लेवल पर है लूसीफर इस बैटल को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा। पर अगर शज़ाम को उसकी सभी कॉमिक्स की पावर्स भी दे दी जाए फिर भी लूसीफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, और लूसीफर इमोर्टल है, जबकि दूसरी तरफ शज़ाम पावरफुल तो बहुत है पर वो इमोर्टल नहीं है और वो फाइट के दौरान एक्चुअली मर सकता है। इसके अलावा लूसीफर किंग ऑफ हेल है और वो शज़ाम को सिर्फ देखकर उसकी सोल को हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन द एंड शज़ाम पावरफुल तो बहुत है पर पावर्स के मामले में वो लूसीफर के आसपास भी नहीं है, इसलिए ना ही वो लूसीफर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर शज़ाम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।